अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं नाहिद खान आज आप लोगों के लिए चना भटूरे की रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, चना भटूरा बनाने के लिए हमें मैदे की ज़रूरत पड़ेगी। हमने मैदे को गूंद लिया है दोस्तों। इसमें हमने आधा के जी मैदा लिया है। आधा के जी मैदा में हमने इसमें 2 टेबल स्पून इसमें हमने दही डाला है। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने चीनी डाला है और स्वाद के अनुसार साल्ट डाला है और मीठा सोडा डाल के हमने इसे गूंद के लिया है। गूंद करके इसे हमने पेड़ा बना लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा और आधा घंटा छोड़ेंगे दोस्तों। तब तक हम अपने छोले की तैयारी करेंगे दोस्तों। तो छोले बनाने के लिए हमने काबली चने लिए हैं और इसे हम प्रेशर कुकर में डाल करके, चलिए दोस्तों इसे प्रेशर कुकर में डाल लेते हैं। वाओ, वेरी डेंजरस। तो हमने सारे चनों को हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डाल करके इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट इसे बॉईल कर लेते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। कुकर में डाल लिए हैं और इसमें हमने साल्ट दिया और अब हम मीठा सोडा डालेंगे इसे बॉईल होने के लिए, ताकि हमारा चना अच्छा से गल जाए। और अब हम इसे ढककर लगा कर बंद कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाया, इसमें ऑयल डाल करके हम अपने छोले के मसाले की तैयारी करेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अपना ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें, जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा, इसमें थोड़ा सा साबुत जीरा डालेंगे। दोस्तों, हमारे ऑयल गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें साबुत जीरा थोड़ा सा डाल देते हैं। थोड़ा सा हमारा साबुत जीरा जैसे ही फ्राई होगा, हम इसमें ये पीसी हुई प्याज ऐड करेंगे। तो हमारे साबुत जीरा चटक गए हैं, अब हम इसमें पीसी हुई प्याज को ऐड कर देंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा जीरा और गोलकी का पाउडर देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला और ये है थोड़ा सा धनिया पाउडर। चाट में बहुत ही अच्छे लगते हैं दोस्तों, इसलिए धनिया पाउडर डालना ज़रूरी है। कुछ मिक्स मसाले हैं जो हमने इसमें ऐड किया और ये कश्मीरी लाल मिर्च, हमने ड्राई मसाले भी इसमें ऐड किए हैं। सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स वेल कर देंगे। जब तक हमारा मसाला फ्राई नहीं हो जाता, हम इसमें अपने छोले नहीं डालेंगे। ना पारिवारिक माहौल है ना। तो हमारे मसाले फ्राई हो रहे, इसमें थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही हमारे मसालों से तेल छोड़ने लगेगा दोस्तों, हम इसमें अपने छोले डाल देंगे। और ये दोस्तों थोड़ा सा छोला मसाले ऐड कर रहे हैं, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। तो दोस्तों हमारे मसाले फ्राई हो चुके, अब हम इसमें अपने छोले को ऐड कर देंगे। सारे पानी को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। क्या बात है? अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 5 मिनट के बाद हम इसमें पीसी हुई टमाटर ऐड करेंगे। और अब हम इसमें अपने पीसी हुई टमाटर ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे और हम 4.5 घंटे के लिए और पकाएंगे। स्वाद के अनुसार हमने नमक इसमें ऐड किया है। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। आधा घंटा पकने के लिए और अब हम अपने छोले पर कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, कोरिएंडर लीव्स हमने इसमें ऐड कर दिया
पकने के बाद भी हम इसके ऊपर से गार्निश के लिए देंगे। और हम यहाँ पर ये पानी चढ़ाएं दोस्तों, इसमें चाय की पत्ती डालेंगे और चाय की पत्ती डाल करके उसके पानी को हम छोले में ऐड करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम चाय की पत्ती इसमें हम ऐड कर देते हैं। चाय की पत्ती हम इसमें ऐड कर दिए दोस्तों। जैसे ही इसमें हमारा उबाल आ जाएगा हम अपने छोले में छान करके चाय की पत्ती को डाल देंगे। और दोस्तों हमने जो चाय पत्ती का पानी है इसमें हम ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। क्यों हिला डाला ना? अब इसे हम 10 मिनट और पका के उतार देंगे। थोड़ा सा हमारे छोले पर उबाल आ जाने के बाद हम इसमें ये दही ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये दही ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? भटूरे छानने के लिए ऑयल को गर्म कर लेते हैं दोस्तों। ऑयल को इतना गर्म करना है, ज़्यादा हीट देना है, ताकि जब इसका इस ऑयल से जब धुआं निकलने लगे दोस्तों, तभी आप भटूरे को छानिएगा, तभी ये फुला फुला बनेगा। नहीं तो ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ठंडा रहा तो इसमें हमारा भटूरा नहीं फूलेगा, इसलिए एकदम ऑयल को गर्म कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट अपने भटूरे को बेल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे छोले बनके बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए दोस्तों कितना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ चलिए हम अपने भटूरे बेल लिए हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम भटूरे को छानेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारे भटूरे पूरी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। ये देखिए अब हम इसे बाहर कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे दूसरे भटूरे भी अच्छे तरह से फूल चुके हैं। ये देखिए इसे भी बाहर निकाल। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। ना लाइट क्यों आ रहा है? चलिए दोस्तों हम दूसरे तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं होगा नहीं होगा। वो इसे करिए